जिले में 55,070 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें सिर्फ 7,752 हेक्टेयर ही जमीन सिंचित भूमि है। शेष भूमि पर खेती को लेकर किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। इस साल लोहरदगा में मॉनसून की बारिश कम हुई है। स्थिति ये है कि झारखंड में मॉनसून की बारिश हो रही है, लेकिन लोहरदगा के खेत सूखे पड़े हैं। इससे धान की खेती करने वाले किसान ज़्यादा परेशान हैं। किसानों को लगता है कि बेहतर बारिश नहीं हुई तो धान की खेती करना मुश्किल हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि जून महीना में औसत से कम बारिश हुई है, वहीं जुलाई महीने की शुरुआती दिनों में भी मॉनसून रूठा हुआ है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक जून महीने में सामान्य बारिश 137.3 mm दर्ज की जाती है, लेकिन इस साल जून महीने में मात्र 128.8 mm बारिश हुई है। अब जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई के महीने में सामान्य बारिश 305 mm दर्ज की जाती है, लेकिन पिछले तीन दिनों में 13.9 mm बारिश दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने साल 47,000 हेक्टेयर में धान की खेती को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया है। धान की खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश नहीं होने के कारण है सूखा पड़ा है और वो बीड़ा भी पूरा तैयार हो गया है, रोपाई उठ भी चालू नहीं हो पा रहा है। बारिश होता तो कुछ बहुत राहत में भी मिल जाता। इस मौसम से बहुत नुकसान हो रहा है, खेती नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। इतना बीज लगाए हैं 10 पाकिट, उसमें पानी नहीं आ रहा है तो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, और का कहें। और पब्लिक हाथ पब्लिक अभी कुड़ी कुड़िया ही करने जाता है तो पानी नहीं है, पानी में बहुत पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बरसेगा तो खेती कैसे होगा हम लोग का, पब्लिक का, इसलिए और कहना का कहेंगे सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।